हेलो एवरीवन वी आर रीडिंग द चैप्टर नंबर फोर ऑफ सिविक्स फॉर क्लास नाइन्थ दैट इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और हम आ गए थे लास्ट टॉपिक पर जो था द जुडिशरी हमने जुडिशरी के बारे में रीड किया था कि हमारी जो जुडिशरी है वो बहुत पावरफुल है प्लस वो जो है इंडिपेंडेंट भी है तो किसी भी देश के लिए पावरफुल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है अगर उसमें हमने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से बनाए रखना है अगर हमें जो डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म करना है और हमने देखा था कि आ, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो काफ़ी सारे डिस्प्यूट अगर कंट्री में होते हैं बिटवीन द सिटीज़न्स बिटवीन सिटीज़न एंड द गवर्नमेंट बिटवीन और मोर स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा होता है तो कोर्ट uh, में हम अपील कर सकते हैं उसके खिलाफ या फिर uh, तो अगर हम एक कोर्ट के फ़ैसले से, से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम दूसरे कोर्ट में अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंतिम फैसला माना जाएगा ऐसे केस में तो इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है जुडिशरी की और इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जुडिशरी इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये मैंने आपको बताया था कि किसी कानून बनाने वाली संस्था या फिर किसी एग्जीक्यूशन वाली संस्था के अंडर नहीं है हमारी जुडिशरी इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंस यानी वो इन्जॉय करती है टोटल आज़ादी क्योंकि वो आज़ाद हैं इन दोनों से उसको उसके ऊपर जो है ना सरकार का कोई प्रभाव पड़ता है ना हमारे पार्लियामेंट का कोई प्रभाव पड़ता है जो भी हमारी जुडिशरी का फैसला होता है वही अंतिम फैसला होता है अगर कोई डिस्प्यूट हो तो तो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मैंने आपको बताया था हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो चुनते हैं उनको चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चुने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए तो आगे हम रीड करते हैं इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स देर इज़ वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो दूसरे जजेस को अपॉइंट करते हैं जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं तो पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके इंटरफेरेंस का जो स्कोप है वो बहुत कम रह जाता है यानी जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता उनकी अपॉइंटमेंट में द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजली अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट जज uh, होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो चीफ जस्टिस के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दिस पोजिशन तो अगर एक बार किसी भी जज uh, को अपॉइंट कर लिया जाता है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो उसको इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि उसको उसकी पोजिशन से हटाया जाए इट इज़ एज़ डिफ़िकल्ट एज़ रिमूविंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो ये उतना ही मुश्किल है जज को हटाना उसकी पोस्ट से जितना कि हम प्रेजिडेंट को हटाना मुश्किल समझ सकते हैं क्योंकि इट इज़ ऑल्सो द हाइस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया और जज की जो पोस्ट है वो भी बहुत बड़ी पोस्ट है और जजेज़ की पोस्ट में कोई एग्जीक्यूटिव और मैंने बताया था आपको लेजिस्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है हमारी जुडिश्री में तो इसलिए भी इसको रिमूव करना इट इज़ इम्पॉसिबल अ जज कैन भी रिमूवड ओनली बाई अ इंपीचमेंट ऑफ मोशन पास सेपरेटली टू थर्ड मेम्बर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो पार्लियामेंट के टू थर्ड मम्बर का उसमें सहमति होना जरूरी है तभी कोई जज जो है वो अपने uh, पोस्ट से हटाया जा सकता है इट हैज़ नेवर हैपन इन दिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इसको इसलिए भी इम्पॉसिबल कह रही हूँ मैं बिकॉज ऐसा इंडियन हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ अभी तक द जुडिश्री इन इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ़ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट है द पावर टू इंटरप्रिट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पार है कि वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट कर सके उसको देख सकें दे कैन डिक्लेयर इन वेलिड एनी लॉ टू द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूटिव ने जो भी एक्शन लिया यानी गवर्नमेंट ने किसी uh, लॉ कोई भी बनाया है तो उसको खारिज किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा वेदर द यूनियन लेवल और एट द स्टेट लेवल इफ द फाइंड सच और लॉ और एक्शन अगेंस्ट द अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अगर उन्हें लगे कि कुछ भी संविधान के दायरे में नहीं है चाहे वो लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया हो या फिर वो एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाया गया हो तो वो उसे नकार सकते हैं उसको uh, मना कर सकते हैं एग्जीक्यूशन uh, में लाने से दस दे कैन डरमिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वेलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री वैन इट इज़ चैलेंजड बिफोर दैम दिस इज़ नोन एज अ जुडिशल रिव्यू तो इसीलिए जो कोई भी एक्शन होता है लेजिस्लेशन का या एग्जीक्यूटिव का वो उनके पास जाता है और अगर उनको चैलेंज दे दिया जाए कि या फिर कोर्ट में वो मामला चला जाए तो डेफिनेटली वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ जाता है यानी उस पर दोबारा से न्यायिक जांच की जा सकती है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कै नाट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट और जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती जैसे इक्वालिटी है या कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती तो अगर कोई भी ऐसा कानून इस दायरे को क्रॉस करता है तो उसको भी जुडिशरी जो है वो डिनाई कर सकती है और क्योंकि

रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ देयर राइट अगर सिटीजन के ऐसे ही किसी राइट right की वायोलेशन होती है कोई ऐसा उनका अधिकार छीना जाता है तो डेफिनेटली ही और शी कैन अप्रोच टू द कोर्ट इन रीसेंट ईयर्स द कोर्ट हैव गिवन सेवरल जजमेंट्स एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ द पब्लिक इंटरेस्ट हिज हर्ड बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट दिस कॉल द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो अगर कुछ भी ऐसा मिलता है कोर्ट को कोई भी कोर्ट के पास जाकर अप्रोच कर सकता है कि उसकी जो ह्यूमन राइट्स हैं या फिर उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायोलेट किया गया है किसी कानून के द्वारा तो डेफिनेटली वो अपनी पी आई एल फाइल कर सकते हैं कोर्ट में पी आई एल को बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द कोर्ट इंटरवीन एंड प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट्स पावर टू मेक द डिसीजन्स तो कोर्ट जरूर उसको प्रिवेंट करेगा और गवर्नमेंट को अपनी पावर्स को मिसयूज करने से रोकेगा दे चेक द माल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स दैट दैट इज़ वाई द जुडिशरी इन्जॉय द हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल इसीलिए न्यायपालिका पर जो लोग हैं उन्हें बहुत विश्वास है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और वो जो है आ, मैं कहूँगी पावरफुल भी हैं तो ये जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया है श्री जस्टिस जे एस और तो एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जो है इनको ओथ दिलवा रहे हैं ये पिक्चर है और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म होता है थैंक यू फॉर लिसनिंग मी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय